तो अंधेरे में अपनी कार लोड कर रहे हैं सामान के साथ, क्योंकि अब वक्त है वापस निकलने का। ये काला काला दिख रहा है आपको, ये है एक प्यारा डॉगी। और ये डॉग बताऊँ आपको, आप थोड़ा याद करो, जो हमें ब्रह्मताल समिट के टाइम उस वाले दिन मिला था ना, ये वही वाला डॉगी है। ऐसे चक्कर तो ये 50 मारा है दिन में। ऑलमोस्ट गाड़ी हम रैप कर चुके हैं, अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की और फिर दिल्ली को निकलने की। ये पड़े हमारे बैकपैक्स, ये पड़े हमारे दो आदमी और उनके बीच में हमारे एक्स्ट्रा पिलोज। ये भी पूरा पैक है, पीछे भी पूरा पैक है। और इधर आओ, हमने एक नई चीज़ खरीदी है लोहा जंग से। मैं उसके लिए एक गाना गाना चाहूँगी, लोकल जिसको बोलते हैं मितवा। ये है सोलर लाइट, ये इसके पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है और यहाँ से ये ऐसे फर्स्ट क्लास जलती है। 30 लूमेंस अपना इसका तो लाइट है का, तभी पता लगेगा। 30 लूमेंस है इसकी। अच्छा जी, अच्छा फेस दिख रहा है ना मेरा। और ये बहुत पूरे पूरे दिन चलती है आराम से एक चार्ज पे। आई एम रणधीर प्रताप सिंह एंड आई एम कोमल सिंह सीरा। वी आर थिएटर आर्टिस्ट विद स्पिरिट्स ऑफ एन एडवेंचरर। एज अ स्ट्रे वी ट्रैवल एंड एज एन आर्टिस्ट वी लिव। वी आर द स्ट्रे आर्टिस्ट। ये रिकॉर्ड होना चाहिए, रणधीर अंडा ब्रेड खा रहा है। इसने सिर्फ अंडा खाया है क्योंकि मैंने इसको मुंबई में बहुत अंडा ब्रेड खिलाया, इसने इसलिए इसने पूरे एक साल अंडा ब्रेड नहीं खाया। और ये कहता मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाऊंगा, और ये अभी खा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, विदाउट रिएक्शन दिए खा रहा है। मैं जा रहा हूँ दोस्तों ब्रेकफास्ट करके अपनी कार की तरफ। कुकू चली गई है वापस रूम में। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आखिरी बार नंदा गुंटी को देख लो, त्रिशूल को एक बार देखने का मौका मिलेगा अभी। हम इस ब्यूटीफुल सनराइज को, इस गांव को, ब्रह्मताल ट्रैक को, यहाँ के प्यारे प्यारे लोगों को, मोटे ताजे कुत्तों को और बहुत प्यारे फूड को एक छोटा सा बाय कहते हैं। छोटा सा बाय इसलिए क्योंकि अब लगता है कि हमें यहाँ पे आना पड़ेगा दोबारा, और जल्दी आना पड़ेगा। रोशनी आ चुकी है दोस्तों, गाड़ी हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कर्ण प्रयाग पहुँचे। हाँ। क्योंकि वो है पहला इम्पोर्टेंट प्रयाग। आज का डिस्टेंस काफी अच्छा हमें कवर करना है। तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी कार का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। और आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त कॉन्टेंट क्यूरेट करें, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। और उतना फील हम दे चुके हैं। जय शिव शंभू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो बाय बाय लोहा जंग, अलविदा। गाइज, ये वो एग्जैक्ट सेम जगह है जहाँ पर हम अपने डे 3 में, जब हम लोहा जंग की तरफ जा रहे थे, खड़े हुए थे
और हमें मैग्निफिसेंट त्रिशूल दिख रहा था। हम जस्ट वहीं पे खड़े और मैं इस जगह की वेट कर रहा था क्योंकि हम आपको जैसे पता ही है कि समिट पर त्रिशूल को नहीं देख पाए थे, क्लाउड्स आ रहे थे, हमें क्लाउड्स दिख रहे थे, हमें नीचे जाना था। एग्जैक्टली तो वो उतना हम वो नहीं कर पाए, उसको बैठ के ना जी भर के देख नहीं पाए, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं, उसको एक आखिरी बार जी भर के देख रहे हैं ताकि हम आराम से अपने घर पे उसको साथ में लेके जा सकें। और यहाँ से तो वैसे ही बहुत क्लियर व्यू आता है, तो मैं आपको एक आखिरी बार इस ट्रिप पर त्रिशूल दिखा देता हूँ, माउंट त्रिशूल। दोस्तों वो देखो दोनों पहाड़ों के बीच में त्रिशूल दिख रहा है। अभी धूप थोड़ी कम पड़ रही है ना क्योंकि अभी सुबह सुबह हो रही है, 9 भी नहीं बजे, थोड़ा सा फॉगी सा वेदर हो रहा है तो क्लियर नहीं दिख रहा, बट मैं देख पा रहा हूँ जो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। आई होप आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे। देख लिया दोस्तों त्रिशूल को, अब चलते हैं कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हम बस अर्ली मॉर्निंग उठकर निकल पड़े थे घर के लिए। वाओ यार, द फादेस्ट कॉर्नर्स ऑफ उत्तराखंड आर रियली ब्यूटीफुल, मैं ये बात अब बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है उत्तराखंड दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। चले ब्रेकफास्ट करें। बिल्कुल चलिए। गाइज हम करण प्रयाग आ चुके हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इधर से जो ब्लू रिवर आ रही है वो है पिंधार रिवर और वहाँ से जो ग्रेश रिवर आ रही है वो है अलकनंदा, जो मेन रिवर है, जो मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और जनरली करण प्रयाग पे इतना कलर डिफरेंस नहीं आता, पिंधार भी जैसे ब्लू कलर की आ रही हैं, अलकनंदा भी जनरली ब्लू कलर में ही आती है, बट आप लोगों को पता है कि जोशीमठ की साइड जो कलामिटी हुई है, जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, उस वजह से जो डिब्री है, कीचड़ है, पत्थर है, उसकी वजह से अलकनंदा का कलर पूरा ब्राउनिश हो गया है। तो ये जो कलर डिफरेंस आता है रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में ज़्यादा दिखता है, बट आज हमें यहीं पर दिख रहा है। दोस्तों जब हम जांस्कर में थे ना तब भी हमने कॉन्फ्लुएंस एक देखा था, लेकिन हम उस कॉन्फ्लुएंस को देखने के लिए रुके नहीं थे, हम बस चलते चलते हमने देख लिया था। ये मेरा फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस है जो मैं रुक के देख रही हूँ और ब्यूटीफुल है। मुझे रुद्रप्रयाग भी देखना है और मुझे देवप्रयाग भी देखना है। आओ अब नेक्स्ट कॉन्फ्लुएंस पे चलते हैं, रुद्रप्रयाग। दोस्तों हम लोग नगरसू में पहुंच गए जो रुद्रप्रयाग के पास पड़ता है। हमने परांठे ऑर्डर किए हैं क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी, थोड़ी चाय भी हमने सोचा पी लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं एक, ताकि लंबा हम आगे खींच पाएं, क्योंकि अभी तक जो रास्ता था ना थोड़ा ख़राब था, थोड़ा अच्छा था क्योंकि मेन हाईवे बन रहा, अब आगे जो रास्ता है वो ठीक है ऑलमोस्ट। और मेरे सामने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ पे मैं यहाँ नहीं लेकिन मैं सूरतगढ़ में मेरा स्कूल था वो, उसका नाम भी यही था, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। अब हम परांठे खाते हैं और फिर वापस अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं। दोस्तों मैं जब थोड़ा नीचे की तरफ आ गया ना तो मेरा हेडेक हो रहा है, पहले एकदम ठीक था जब हम काफ़ी हाइट पर थे, अब थोड़ा थोड़ा नीचे उतर गया क्योंकि ना यहाँ की ट्रेल जो रोड है ना वो टेढ़ी मेढ़ी है और वो एकदम से डिसेंड भी करती है, वैली के साथ साथ चलती रहती है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। अब हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे क्योंकि रुद्रप्रयाग आ गया, फिर उसके बाद श्रीनगर आ जाएगा, फिर तो आप ऑलमोस्ट ये पहाड़ वाला रीजन ख़त्म ही हो जाएगा। चलो फिर हम निकलते हैं यहाँ से आगे। Thank you.
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में हम अलकनंदा और मंदाकिनी का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं। अलकनंदा का जो पानी है वो इसमें भी मैला है, क्योंकि आपको पता है ऊपर क्या हुआ है जोशीमठ में उस कारण, वरना अलकनंदा का जो पानी का कलर है वो इतना डार्क नहीं होता, वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं लग रहा। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 86 किलोमीटर दूर है, जो कि चार धाम की जो यात्रा होती है उनमें से एक मंदिर है। और ये रही पीछे ब्यूटीफुल रुद्रप्रयाग की सिटी। गाइज हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, पांच प्रयागों में से सबसे इम्पोर्टेंट प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, जो कि गंगा की दो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, और वो यहां पर मिलकर गंगा बन जाती हैं। आप देख पा रहे हो कि अलकनंदा से कितनी ज़्यादा डिब्री आ रही है, भागीरथी उसको क्लीन करते हुए जा रही है। भागीरथी अपना जितना साथ दे सकती है अलकनंदा जी का, वो उतना साथ दे रही है, और उनको क्लीन करने में, उनको शुद्ध करने में, उनको गंगा बनाने में और हेल्प कर रही है। और ना काफ़ी दूर तक ना दो कलर जैसे अलग अलग दिख रहे हैं, आपको एक पूरी लाइन दिखेगी बीच में। अभी हमने तीन प्रयाग देखे, बट ये सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे एविडेंट है कि आप इसमें ना देख लोगे कि अच्छा ये अलग से पानी आ रहा है, ये अलग से पानी आ रहा है। बहुत खूबसूरत दोस्तों, अब हम बस ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 40-70 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश है। दोस्तों हम अभी ऋषिकेश में हैं, एंड मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि गंगा जल लेकर आना, बट मॉम ने कहा था कि हरिद्वार से लेकर आना, बट अभी हरिद्वार से पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हमारे को फिर पार्क करना पड़ेगा और फिर हर की पौड़ी जाना पड़ेगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने कहा कि अभी ऋषिकेश में हैं हम, क्योंकि अगर हमारे को दिल्ली पहुँचना है तो ऋषिकेश में भी तो गंगा जी बहती हैं, तो वहीं से भर लेते हैं। अभी मैंने 200 रुपीज़ की बॉटल खरीदी है, मैं गंगा जल भर लेता हूँ। और सामने आरती हो रही है ऋषिकेश में, वो रहे राम झूला जहाँ पर हमने एपिसोड 1 में अपना जो भी खाना पीना किया था, उसके बाद वहाँ सामने आरती हो रही है। मैं चलता हूँ, भर के आता हूँ। दोस्तों अभी गंगा के पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है, क्योंकि आपको हम दिखाते आए हैं थ्रू आउट, बट गंगा का पानी कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि ये तो पाप धोता है लोगों के। तो हमने लिया खूब सारा गंगा जल, अब चलते घर। बहुत दिल बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने इस ट्रिप के एंड पे पहुंच चुके हैं।
एंड हमने ऋषिकेश से ही अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था एंड हम फाइनली फिर से ऋषिकेश में अपनी इस जर्नी को ख़त्म करने आए हैं। आज माहौल उस दिन से भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, शायद वो इसलिए भी लग सकता है क्योंकि हमारे मन में भी एक फुलफिलमेंट है कि हम जो करने गए थे वो पूरा हो गया है और आज हम आरती सुन पा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस के साथ अपना डे एंड करेंगे, अपना व्लॉग एंड करेंगे और अपनी सीरीज़ को भी ख़त्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम सीधा घर जाएंगे। हरिद्वार का वही मेन रूट मैंने 50 बार दिखाया हुआ है पहले, तो देर इज़ नो पॉइंट। सो वी होप गाइज आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, जो हम दयारा में मिस कर गए थे वो हम इस बार ना मिस करें आपके हिसाब से। इस सीरीज़ में हमने बहुत मेहनत करी है, अगर आपको वो दिखी हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।